हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 27 अप्रैल 2019 की प्रीलिम्स ब्रिटिश सीरीज में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं आज की हमारे कुछ क्वेश्चंस, फिर देखते हैं आज की हमारी न्यूज़। पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को लेके हैं, यानी कि इंटरपोल को लेके। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे ये है कि एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फैसिलिट करती है इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन। सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन लियोन, इटली। थर्ड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इसके 194 मेंबर कंट्रीज हैं जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। हमें यहाँ पे पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पे पूछा गया है। तो देखो, जो इंटरपोल है ना, ये अभी न्यूज़ में था, न्यूज़ में क्या था वो भी हम आगे देखेंगे। इसका पहला स्टेटमेंट भी सही है कि एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन के तौर पर काम करता है। इसका हेडक्वार्टर है ना वो लियोन में ही है, बट ये इटली में नहीं है, ये फ्रांस में। तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। और थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो ये भी बिल्कुल सही है कि लार्जेस्ट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है और 194 कंट्रीज के मेंबर हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और वहीं पे अगर यूपीएससी पूछती है कौन सा सही है, तो इसका आंसर होता है 1 एंड 3। तो ये आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नेम्ड एज वर्ल्ड बुक कैपिटल बाई यूनेस्को फॉर द ईयर 2019। तो देखो, रिसेंटली जो सारगर जो जगह है ना, या सारगर जो सिटी है सॉरी, इसका नाम है वो वर्ल्ड बुक कैपिटल बाय यूनेस्को के द्वारा डिस्कवर हो किया गया है। अभी वर्ल्ड बुक फेयर का था उसके बेसिस पे ही, तो यह ध्यान में रखना है, अभी न्यूज़ में था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ऑपरेशन एपलियर को लेके है। आपको बताना है कि यह न्यूज़ में किससे रिलेटेड है। देखो, ऑपरेशन जो एपलियर है इसके बारे में अगर हम बात करें तो यह अभी इंटरपोल से रिलेटेड था। क्यों है वो हम बताता हूँ कि अभी रिसेंटली इंटरपोल ने मतलब ये डिस्कवरी की, हम बोल रहे कि कुछ काफ़ी लोगों को अरेस्ट किया था जो कि कुछ महिलाओं को और कुछ बच्चों को एक्चुअली प्रोस्टिट्यूशन और फोर्स्ट लेबर में मतलब धकेल रहे थे। ये बेसिकली सीन है, हम बात करें नाइजीरिया का। तो नाइजीरिया में ऐसा केस है, तो वहाँ पे इंटरपोल ने ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन एपियर, तो वहाँ पे उन लोगों को अरेस्ट किया गया, तभी ये न्यूज़ में आया था, इंटरपोल और ऑपरेशन एपियर। तो हमें ये दोनों के बारे में ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बीजिंग डिक्लेरेशन, बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, यह न्यूज़ में रहता है, किससे रिलेटेड है। देखो, आपको तुरंत ध्यान आना चाहिए बीजिंग डिक्लेरेशन दिमाग में आते ही। यह बेसिकली एक एजेंडा है वुमेन एम्पावरमेंट का, जिसका फोकस ये रहता है कि भाई वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस अभी आयोजित की गई थी यूनाइटेड नेशन के द्वारा कि वुमेन को एम्पावर किया जाए, वुमेन सशक्तिकरण या महिला सशक्तिकरण पर इनका फोकस है, वो रहता है। तो इसका सी इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको बताना है कि ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स है वो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। अब देखते हैं आज की हमारी न्यूज़। पहली जो न्यूज़ है वो ये है नेशनल हाउसिंग बैंक को लेके। कंटेक्स्ट ये है देखो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, उसने अभी जो नेशनल हाउसिंग बैंक की जो भी उनके पास शेयर होल्ड थे वो सारे गवर्नमेंट को बेच दिए हैं या फिर गवर्नमेंट को सोल्ड आउट कर दिए गए हैं। तो देखो, ये आपको ध्यान रखना है, अभी यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछ सकती है। पहली बात तो ये कि नेशनल हाउसिंग बैंक यानी कि एनएचबी है ना वो किसके अंडर आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एनएचबी की जो ओनरशिप है हम बात करें हैं वो भी किसके अंतर्गत है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत है। इसी के साथ ही नाबार्ड है ना, इसका भी जो ओनर है वो कौन है, नाबार्ड का ओनर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। पहले देखो, नाबार्ड और जो नेशनल हाउसिंग बैंक है इसकी कुछ ओनरशिप है वो हम बात करें तो आरबीआई के पास थी। इवन जो नेशनल हाउसिंग बैंक है इसकी तो 100% ओनरशिप भी पहले आरबीआई के पास थी। बट हुआ क्या था, जब सेकंड नरसिम्हन कमेटी बैठी थी ना बैंकिंग रिफॉर्म के लिए, तो इस कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी थी कि भाई साहब आप जो ये नेशनल हाउसिंग बैंक और इसी के साथ ही नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड है, इन दोनों को ही आरबीआई को अपनी ज्यूरिडिक्शन से हटा देना चाहिए और गवर्नमेंट को सौंप देना चाहिए ताकि ये और अच्छे से परफॉर्म है वो कर सकें। तो अभी कंटेक्स्ट ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो नेशनल हाउसिंग बैंक है ये गवर्नमेंट को सौंप दिया है 100% तरीके से, 100% तरीके से। और नाबार्ड है उसको पिछले साल 100% जो ओनरशिप थी वो एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दी गई है। तो यूपीएससी पूछ सकती है, तो हमें ध्यान रखना कि भी 100% ओनरशिप एनएसबी और नाबार्ड किसके पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बस ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि यूपीएससी पूछ सकती है। अब थोड़ा हम नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं और इसी के साथ ही नाबार्ड के बारे में भी। देखो, जो नेशनल हाउसिंग बैंक है ना, ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तहत सेटअप किया गया था 1988 में।
और इसके लिए एक्ट भी आया था बाकायदा, जिसका नाम है नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987। तो ये फैक्ट हमें ध्यान रखना है। ये एक अपेक्स एजेंसी है किस मामले में, जो कि हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूट को प्रमोट करती है। इसके साथ ही लोकल और रीजनल लेवल के ऊपर जो फाइनेंशियल प्रोवाइड करवाया जाता है, या फिर और भी तरह की इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन जारी करनी हो हाउसिंग सेक्टर के लिए, वो सारी नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा की जाती हैं। किसके अंडर आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। चलते हैं नेक्स्ट, जो है वो हमारा है नाबार्ड। नाबार्ड है ना, उसका मतलब है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखो, नाबार्ड को वैसे बनाया गया था 1982 में। क्यों? क्योंकि रूरल एरिया में मेनली किसानों की हेल्प करने के लिए, या फिर रूरल एरिया में जो और भी इंस्टीट्यूट होते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए, उनकी हालत है उनको ठीक करने के लिए मेनली नाबार्ड बनाया गया था। देखो, नाबार्ड के बारे में आपको एक फैक्ट ध्यान रखना है कि नाबार्ड है ना, यह किसानों को खुद लोन नहीं देता है। नाबार्ड बैंकों को लोन देता है और फिर वो बैंक है वो किसानों को लोन देते हैं, या फिर नाबार्ड किसी इंस्टीट्यूट को लोन देगा और फिर वो इंस्टीट्यूट लोन डिलीवर करेंगे। मतलब नाबार्ड डायरेक्टली जाके लोन नहीं देता है किसी को, नाबार्ड इंस्टीट्यूट या संस्थाओं या बैंकों को लोन देता है, वो बैंक फिर किसानों को या उन लोगों को लोन है वो प्रोवाइड करवाते हैं। जिस तरीके से रीजनल रूरल बैंक होते हैं या फिर शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक होते हैं, तो इस तरीके के जो बैंक होते हैं उनको नाबार्ड पैसे देता है और फिर वो बैंक है वो किसानों को लोन देते हैं। नाबार्ड डायरेक्टली किसी को लोन नहीं देता है किसान को। यूपीएससी पूछ सकती है इसके बारे में, ये किस किस को लोन देता है। यूपीएससी बोल सकती है ओनली फार्मर्स को। नहीं भाई, ये लोन डायरेक्टली किसी को देता ही नहीं है। मेनली इसका जो लोन होता है वो एग्रीकल्चर और नॉन रूरल जो फार्म सेक्टर है इनको लोन दिया जाता है, कि ताकि हमारे देश के जो रूरल सेक्टर है इसकी हालात को ठीक है वो किया जा सके। तो ये इफेक्ट हमें ध्यान में रखना। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है सेल बेस्ड मीट को लेके। देखो, नॉर्मली जो मीट है वो कहाँ से जानवरों को मतलब मार के प्रोड्यूस है वो किया जाता है, बट अभी क्या है कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है ना, उसने एक फंड है वो डिसाइड किया किस लिए, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी के लिए, जो कि एक नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मीट के ऊपर डेवलप करेगी सेल बेस्ड मीट के लिए। सेल बेस्ड मीट का मतलब क्या है तो वो हम देखते हैं, कैसे सेल बेस्ड मीट प्रोड्यूस किया जाएगा। इसमें होगा क्या कि जो भी लाइव या जिंदा जानवर है उसकी सेल या टिश्यूज हैं वो लिए जाएंगे, और फिर उन मसल टिश्यू को क्या जाएगा, लेबोरेटरी के अंतर्गत जो प्लांट्स होते हैं ना उनके सीरम के साथ मैच करके उनको लेबोरेटरी में डेवलप किया जाएगा, और फिर उनसे मसल डेवलप की जाएंगी और उस मीट को फिर है ना मार्केट में प्रोड्यूस किया जाएगा। मतलब होगा क्या, ये जो मीट होगा, जो आपको पता है कि जानवरों को बिना मारे मीट है वो हासिल किया जा सकता है, तो ये नई टेक्नोलॉजी है जिसके बेसिस भी नई मीट का प्रोडक्शन है वो होगा। तो इसमें कुछ ऐसी मैकेनिज्म है तो उसके काफ़ी सारे बेनिफिट हो सकते हैं, और गवर्नमेंट इसी पे अभी रिसर्च है वो मेनली फोकस कर रही है। तो ये तो हमने देख लिया कि भाई सेल बेस्ड मीट है वो क्या होता है, मतलब इसमें सेल या टिश्यूज लिए जाते हैं फिर उनको लेबोरेटरी में डेवलप किया जाता है, जब वो मसल बन जाते हैं उसके बाद उनको मीट के तौर पे यूज है वो किया जाता है। इसका जो टेस्ट है वो बाकायदा नॉर्मल जो मीट होता है उसी की तरह होगा, स्मेल भी वैसी होगी, दिखेगा भी वैसा, मतलब सेम टू सेम मीट ही होगा, बस इसे लेबोरेटरी में डेवलप है वो किया जाएगा। बनाने की प्रोसीजर है वो लेब में होगी, तो उसके काफ़ी सारे बेनिफिट हो सकते हैं। अब देखो, बेनिफिट ये हो सकते हैं कि देखा जाए तो नॉर्मली क्या होता है कि जो जानवरों को मतलब मीट के लिए प्रोड्यूस किया जाता है ना, तो उनसे काफ़ी सारी CO2 एमिट होती है, काफ़ी सारी गैसें और भी हम बात करें तो उत्सर्जन होता है, तो वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसीलिए अभी इनको जो नई नई टेक्नोलॉजी है वो फोकस कर रही है कि भाई मीट को मैंने लेबोरेटरी में अगर डेवलप किया जाता है तो उसका काफ़ी सारा बेनिफिट लोगों को मिलेगा, और इसी के साथ जानवरों की हत्या भी नहीं करनी पड़ेगी, तो जो NGO या फिर जो लोग जानवरों को पालते हैं उनका भी ऑब्जेक्शन मुद्दा इशू सामने नहीं आएगा। तो इसलिए नई मैकेनिज्म है इसको जाता है वो यहाँ पे दिया जा रहा है, और इसी के लिए भी नई गवर्नमेंट ने मतलब फंड वो डिक्लेयर किया है ताकि इस पर और ज़्यादा रिसर्च है वो की जा सके। तो ध्यान रखना कि सेल बेस्ड मीट है वो मेनली सेलुलर एग्रीकल्चर के थ्रू प्रोड्यूस किया जाएगा, इसमें जानवरों को मारा नहीं जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि किस तरीके से प्रोड्यूस है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। देखो, कंटेक्स्ट ये आया है कि इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड है ना, इसके तहत अभी डिपॉजिट किए गए हैं 1514 करोड़ रुपए। किसके लिए? ताकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं हमारे देश में उनको अवेयर किया जा सके, उनको एजुकेटेड किया जाए, उनको प्रोटेक्शन है वो दी जा सके। देखो, होता क्या है कि किसी भी सेक्टर में कोई इन्वेस्ट होना उसको पता नहीं होता है सारे राइट्स के, क्या क्या उसके राइट्स हैं, किस तरीके से उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन कौन सी उनको गाइडलाइन फोकस करनी है, तो उन सब के लिए अवेयर करने के लिए ये फंड है वो मेनली बनाया गया है। ये फंड क्या करता है, ये फंड उन जो इन्वेस्टर्स होते हैं इनको एजुकेट करता है, इनको अवेयर करता है, इनकी जो जो राइट्स हैं इनके बारे में उनको बताता है मेनली, जैसे कि सोशल मीडिया के थ्रू उनको अवेयर किया जाता है, कम्युनिटी रेडियो के थ्रू उनको इन्फॉर्म किया जाता है, इसके साथ ही प्रिंट पेपर हैं, जो स्टाम्प वगैरह हैं इनके थ्रू उनको अलर्ट है, इन्फॉर्म है वो किया जाता है,
ये ध्यान रखना है कि ये जो फंड है ना, ये मेनली एक स्टेचुरी बॉडी है जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंतर्गत। इसको बनाया गया था कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। तो यूपीएससी एक तो मिनिस्ट्री पूछ सकती है इस फंड का काम क्या है वो हमें पता रखना है। पैसे वगैरह की कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि भाई ये कितना क्या फंड है वो दिया गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है सिगलोसिस को लेके। सिग्लोसिस है क्या? देखो बहुत सारे बैक्टीरिया है ना, उनका ग्रुप है और उनसे डिजीज होती है सिग्लोसिस। तो यह एक इन्फेक्शन डिजीज है, ये ध्यान रखनी है, जो कि ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है सिग्लोबैक्टीरिया, इन बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। मतलब ये मान लो कि 5, 6, 10, 15 बैक्टीरिया का ग्रुप है, उन बैक्टीरिया के ग्रुप से एक इन्फेक्शन फैलता है जिसका नाम है सिग्लोसिस। और बैक्टीरिया का नाम क्या है मेनली? बैक्टीरिया का नाम है सिगेला। तो सिगेला बैक्टीरिया का ग्रुप होता है, उससे सिग्लोसिस डिजीज है वो फैलती है। लक्षण क्या है? डायरिया, फीवर हो जाती है, स्टोमक क्रैम्प, मतलब स्टोम शरीर के अंदर जो पेट है उसमें ऐंठन हो जाती है। इसके साथ ही जो बैक्टीरिया उनका इन्फेक्शन लगातार बढ़ता जाता है। कंटेक्स्ट अभी यह है कि जो ये सिग्लेसोस डिजीज है ना, इसके लिए इंडिया ने अपना स्वदेशी टीका है ना वो डेवलप किया है। ये है कंटेक्स्ट। तो इंडिया ने फर्स्ट एवर वैक्सीन डेवलप किया है सिग्लेसोस डिजीज के लिए स्वदेशी तौर पर। तो यह है मेनली। इसमें हुआ क्या है, सिग्लोसिस का जो मतलब वैक्सीन डेवलप किया गया, इसमें क्या किया गया है कि जो डेड वैक्सीन है ना वो तैयार किया गया। मतलब सिग्लोसिस की जो बैक्टीरिया जिसका नाम है सिगोला, ये जो सिगोला बैक्टीरिया है ना, इसी को डेड फॉर्म में बेसिकली इंसान के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा ताकि एक ह्यूमन सिस्टम इम्यून सिस्टम हो डेवलप हो सके, कि इन केस ऑफ फ्यूचर ये सिग्लोसिस बैक्टीरिया का अटैक होता है तो उससे बॉडी को प्रिवेंट है, वो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग करके बचा लेगा। तो ध्यान रखना, इसमें डेड वैक्सीन के तौर पे मतलब डेड बैक्टीरिया हैं जो हमें उनका यूज़ किया जाएगा बॉडी में, ताकि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाए और फिर फ्यूचर में जो डिजीज़ है वो ना हो सके। तो यह ध्यान में रखना है हमें कि भाई इंडिया ने इसके लिए टीका डेवलप किया है। तो देखो ये थी आज की हमारी न्यूज़। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।